एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और 2024 चुनाव है तो प्रशासन द्वारा भी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं और निर्वाचन विभाग के माध्यम से जागरूक वैन को भी सोनीपत जिला के प्रत्येक गांव में रवाना कर दिया गया है। दो हजार चौबीस चुनाव है तो अब जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से एनसीआर सोनीपत हरियाणा के प्रत्येक गांव में मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद को लेकर एक जागरूक वैन को भी रवाना कर दिया गया है। खास बात यह है कि वैन में मतदाता से संबंधित संपूर्ण जानकारी अंकित की गई है। अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए, डिप्टी कमिश्नर सोनीपत और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोनीपत के माध्यम से इस जागरूक वैन को रवाना किया जा रहा है और प्रत्येक गांव में जाकर यह मतदाता जागरूक वैन वास्तव में ही नए वोटरों और वोट से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के माध्यम से अब हर जागरूक मतदाता को संदेश दिया जा रहा है कि वह अपने मत के प्रति जागरूक हो और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है तो चुनावी पाठशाला भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सोनीपत डॉक्टर मनोज कुमार का क्या कहना है, अब आपको यह भी जरूर सुन लेना चाहिए। नाम मतदाता सूची में है कि किसी कारण से कट गया और जिस दिन चुनाव रहता है उस दिन वो अपना वोटर कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं, वहां पे उनको बताया जाता है कि जी आपका नाम नहीं है मतदाता सूची। काफी सारी असंतुष्टि होती है उनको, पूरे सिस्टम पर नाराजगी भी होती है, गुस्सा भी। तो मैं समझता हूँ कि सभी जो जागरूक मतदाता है और इस सारी जो हमारी व्यवस्था है जो आधार है देश का लोकतंत्र, मतलब हमारी जो सब व्यवस्थाओं का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन है वो हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ये डिवीजन कहीं भी नहीं है कि ये सरकारी काम, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सरकारी चीजें हैं वो सिर्फ हेल्पिंग नेचर, ये सबसे मेन जो अगर मैं संविधान की प्रस्तावना से बोलूं तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों में से चुनी हुई सरकार, इसमें सब जगह जो हमारे सिटीजन है वो इम्पोर्टेंट है, इलेक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि हमारी जो चुनाव की जो मशीनरी है सरकारी वो सिर्फ एक हेल्पिंग है, तो चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टी हो और जो हमारे आम मतदाता है वो सब एक इम्पोर्टेंट उसके स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर वो। अब बात आती है कि ये हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज 27/10 को जो अभी तक का मतदाता सूची है उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो, अब जिन्होंने अपने नए वोट बनवाने या ऐसे लोग जिन्होंने अपने जिनके किसी की मृत्यु हो गई है उनके वोट कटवाने या किसी ने अपना घर मकान शिफ्ट कर लिया कोई सामाजिक कारणों से, शादी के कारण या किसी और वजह से दूसरी जगह पे रहने लगे उन्होंने अपना डाटा क्लिक किया, वो सब लोग अपने फॉर्म भरकर अपना जो डाटा है उसको अपडेट कर, अगर मैं ईसीआई की भाषा में कहूँ तो हम उसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कहते हैं। क्लेम मतलब कि अपना क्लेम करना कि जी मेरा ये वोट बनाया जाए या ये वोट इसको शिफ्ट किया जाए या इस वोट को काटा जाए, क्लेम। ऑब्जेक्शन एक उसके अंदर है कि कई बार ये भी रहता है कि किसी ने मान लो वोट कोई गलत बनवा रहा है, कोई वहां रहता नहीं है या कोई हजारों की संख्या में वोट बना रहा है, तो फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये लोग सही, इसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कहते हैं।
इसका पीरियड हमारा 27/10 से 9/12 तक रहेगा। 27/10 से 9/12 तक एलिमेंट ऑब्जेक्शन रहेगा और उसमें हमारे दो स्पेशल कैंपेन है, शनिवार रविवार को भी जो हमारे BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर्स है, वो जहाँ भी उनका कार्यस्थल है, जो उनका बूथ है, वहाँ पर वो अपना चेयर टेबल लगाकर उसके क्लेमेंट ऑब्जेक्शन देंगे। ये तारीखें 4/11, 5/11 शनिवार रविवार, जो अब सैटरडे संडे आएगा इससे अगले वाले, और फिर एक 2/12 और 3/12, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। उसके बाद 26/12 तक जो क्लेमेंट ऑब्जेक्शन आएंगे उन सब पे निर्णय लिए जाए, जिनके नए वोट बनने होंगे वो जुड़ जाए, जिनके जिन्होंने कटने के लिए आवेदन किया हुआ उनके काटे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लोग छूट जा रहे हैं, वो है हमारा 18 से जो 20-22 वर्ष तक का जो ग्रुप है, जो हमारे युवा साथी, उसमें भी खास तौर से हमारे जो लड़कियां हैं उनकी एक अवधारणा बनी हुई है कि वोट बन जाएगा तो पता नहीं, मतलब ये यहीं का हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि वोट के ट्रांसफर से आसान मेरे को लगता है कोई प्रक्रिया नहीं। बाकी सब चीजों के जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देना पड़ता है, कोई ना कोई ये करना पड़ता है। वोट के अंदर आप एक सिंपल फॉर्म भर के, अगर विद इन पार्ट है तो फॉर्म 8 भर के आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपने सिर्फ अपना ये कहना है कि मैं यहाँ से वहां चला गया, मेरा वहां वाला, और आप क्योंकि एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस है तो कहीं से भी आपका वोट ट्रांसफर हो। कोई भी हमारे जो लड़कियां हैं जिन्होंने भी 18 साल की उम्र जो 1/1/2024 को पूरी कर ले, वो कोई भी ऐसे नहीं बचे कि उनका वोट नहीं बना। और मैं समझता हूँ कि वोट से ही फिर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई, आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लेम ऑब्जेक्शन के बाद डिसाइड हो जाते हैं, कल को आपको डोमिसाइल बनाना है, कोई भी चीज है, तो जो आपका वोटर कार्ड है वो एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। तो सभी लोग वोट बनवाएं। कुछ हमारे ऐसे गांव भी हैं जिनमें 1,000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 500 ही महिलाओं या लड़कियों की, तो मैं समझता हूं कि वहां पे जो हमारी जेंडर रेशियो है वो ऐसी तो नहीं होगी कि 1,000 आदमी रहते होंगे और सिर्फ 500 ही महिलाएं रहती हैं। तो इसलिए सभी तक ये मैसेज है, एक भी बच्ची, एक भी युवा साथी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जो 1/1/2024 को 18 से ऊपर का हो गया, जिसका वोट नहीं बना। पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब हमारा पब्लिकेशन हो जाता है, चुनाव शुरू हो जाते हैं, फिर कई बार रिक्वेस्ट आता है कि जी हमारे तो 50 वोटरों के वोट नहीं बने, BLO ने गड़बड़ कर दी या हमारे वोट कट गए। मैं समझता हूं कि आप अभी से सजग होकर जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएं, पार्ट वाइज आपके लोगों की एक एक वोट चेक करें कि आपके जो भी जितने लोग हैं जिनको जानते हैं उन सब की वोट उस लिस्ट में है, नहीं है तो उनके क्लेम एंड ऑब्जेक्शन भर। अगर आपको लगता है कि जो मृतक लोग हैं, क्योंकि अब सरकार ने जो ECI है उसने सुओ मोटो डिलीशन बंद कर दिया, उसमें या तो उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है और वो घर वाले उनका लिख के देंगे तो ही हम वोट काटेंगे, वरना हम खुद से वोट नहीं काटेंगे, या जो शिफ्टेड लोग हैं वो भी अपना भर के देंगे। एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, लोकसभा चुनाव भी इसी पे होने, वैसे तो कमीशन ने बाहर 3 महीने के बाद भी रिविजन कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी जो एक सूची रहेगी मतदाता सूची, वो यही मेन सूची रहेगी। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आने की, क्योंकि बाद में सप्लीमेंट्री में बहुत ज्यादा वोट जुड़िया कट नहीं पा, तो इसलिए सभी लोग अब जो भी एलिजिबल है वो सब अपना वोट बनवाए। जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रयास ये है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, हर मतदाता को उसके मत का अधिकार मिले, इसी वजह से जागरूकता भी अब तेज हो चुकी है। खास बात यह है कि जो मतदाता अपने मतों के प्रति गंभीर हैं और उनको जागरूक करने के मकसद को लेकर
यह अभियान अब सफल होता भी नजर आ रहा है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।